प्रकृति का तुम्हें लेश मात्र तक प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ तो भगवान बोले लेश मात्र तक तो प्रभाव नहीं होगा, यहाँ तो हम देखकर ब्रह्मा जी अपनी बेटी के पीछे ही भाग रहे हैं, ऐसे कैसे? तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये वो बेनेडिक्शन मिलने के पहले किसी कल्प की बात है, किसी दिन की बात है, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया आशीर्वाद निष्फल हो, ऐसे हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हम सभी को अपने आत्यंतिक धर्म, हम सभी के पास अपने दो धर्म हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें बहुत अच्छे से बताती है, एवरी पर्सन हैज टू धर्मस, वन इज स्वधर्म एंड वन इज परो धर्म। स्वधर्म यानि हम अपने शरीर, अपने परिवार, अपने काम काज, पैसे के लिए जो भी करते हैं वो है स्वधर्म। देर इज समथिंग एल्स कॉल्ड एस परो धर्म। परो धर्म क्या है? हम जो भगवान की सेवा के लिए करेंगे वो है परो धर्म। और जितना हम ज़्यादा पर धर्म करेंगे उतना ज़्यादा हम भगवान के और पास जाते जाएंगे। सो एट नो पॉइंट ऑफ टाइम वन शुड गिव अप वंस पर धर्म। पर धर्म इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। चाहे वह व्यक्ति कितने ही आशंकाओं से, क्लेशों से, पीड़ाओं से गुजर रहा हो, लेकिन पर धर्म का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। वन शुड हैवेवर टेक अ वेरी सीरियस नोट ऑफ दिस इंसिडेंट। द ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल एंड हिज अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग विद द फेयर सेक्स लीड्स टू डाउनफॉल। सच सोशल फ्रीडम ऑफ मैन एंड वुमन, especially among the younger section, is certainly a great stumbling block on the path of spiritual progress. तो naturally, जब स्त्री और पुरुष एकत्रित आते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो कैसा है, जैसे आग और मक्खन पास में आ रहा है। तो आग और मक्खन पास में आएगा तो मक्खन पिघलेगा ही पिघलेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं चाहे वो मक्खन 10,000 सालों से -18 डिग्री में ही क्यों न रहा हो, लेकिन वो आग के संपर्क में आएगा वो पिघलेगा ही पिघलेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट है दैट शुड ऑलवेज बी रिस्ट्रिक्टेड एंड एफर्ट्स शुड बी मेड टू ट्रांसेंड द बेस क्वालिटीज एंड कम टू अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। श्लोक क्रमांक 29। तम धर्मे कृत गतिम विलोक्य पितरम सुता मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन। Thus, finding their father so deluded in an act of immorality, the sages headed by Marichi, all the sons of Brahma, spoke as follows with great respect. तो जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो यहाँ हम देखते हैं ब्रह्मा जी के सारे पुत्र कैसे बात कर रहे हैं। दे आर मैंशनिंग इट, बट दे आर मैंशनिंग इट हाउ? विथ वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट। सो हम देखते हैं कि मैत्रेय मुनि ऑल्सो इज टॉकिंग अबाउट ब्रह्मा जी विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, एंड इवन वेन इट इज हैपनिंग ब्रह्मा जी इज ओन सन्स आर टॉकिंग टू देयर फादर विथ great respect. Very good a person might be, but sometimes situations will make him fall. That does not mean that everything is discredited, everything is finished. No, ऐसा नहीं होता। अच्छे अच्छे लोग भी गलतियाँ करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के अंदर भी खामियाँ होती हैं। केवल उन खामियों पर ही नज़र डालेंगे तो जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे? श्लोक क्रमांक 30। नहि तत्पूर्वैः कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितरं गच्छेर् निग्रह्यांगजं प्रभुः। ओ फादर, दिस परफॉर्मेंस इन विच यू आर एंडेवरिंग टू कॉम्प्लिकेट योरसेल्फ was never attempted by any other Brahma, nor by anyone else, nor by you in previous kalpas,
nor will anyone dare to attempt it in future. You are a supreme being in the universe. So how is it that you want to have sex with your daughter and cannot control your desire? The way they put up is so very beautiful. उन्होंने जो बात कर रहे हैं मरीचि, जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से वाक्य प्रयोग हो रहा है, देखिए वो क्या कहते हैं. दिस परफॉर्मेंस इन विच यू आर एंडेवरिंग टू कॉम्प्लिकेट योरसेल्फ, जस्ट पॉन्डर ओवर द वर्ड्स. दिस परफॉर्मेंस इन विच यू आर एंडेवरिंग टू कॉम्प्लिकेट योरसेल्फ, आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन वो प्रयत्न कहाँ करेगा, आपको और ज्यादा झुलसा देगा. और वो मेंशन नहीं कर रहे क्या है वो, दिस एंडेवर, ये कार्य, क्या कार्य है, इट इज नॉट मेंशन. दिस इज द वे अ लर्नड मैन शुड ऑलवेज बी करेक्टेड वेरी इनडायरेक्टली, बिकॉज दे आर लर्नड, वो समझ जाते हैं. आगे वो क्या कहते हैं, इससे पहले किसी ब्रह्मा जी ने ये नहीं किया, ब्रह्मा जी छोड़ दीजिए, किसी और व्यक्ति ने भी ये नहीं किया, आगे भी कोई यही नहीं करेगा, तो आप इस प्रकार से अपना आपा खोएंगे तो ये कैसे चलेगा. द वे इट इज पुट अप इज सो रिस्पेक्टफुल कि ब्रह्मा जी को तक आगे जाके हम देखेंगे ही फील्स वेरी बैड अबाउट इट. यूजुअली हम देखते हैं जब हमें इंद्रिय भोग में कोई रोकता है तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन जब ब्रह्मा जी को इस तरह रोका गया तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई. तो अगर हमें किसी व्यक्ति से उसकी बुरी आदतें छुटवानी हैं तो उसके साथ उस प्रकार से डीलिंग करना होगा, केवल भर्त्सना करके या डांट करके ऐसे नहीं. The dealing itself has to be very, very polished when it comes to personality so great as Brahma. And it also tells us how great sages like Marichi और बाकी सभी वो अपने मन की इच्छाओं को व्यक्त करने से डरते नहीं हैं. वो ये नहीं सोचते कि पिताजी को ये बोलूँगा तो वो क्या सोचेंगे, वो बोलते हैं. और ब्रह्मा जी ने भी उन्हें ये मुभा दी है, आपको जो लगता है बोलो, तभी तो बोल रहे हैं, नहीं तो क्यों बोलते. सो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ देयर सुपीरियर, एट द सेम टाइम दे हैव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड सो मच ऑफ कल्चर दैट दे आर करेक्टिंग देयर सुपीरियर वेरी वेरी नाइसली, ऐसे कि जोर का झटका धीरे से लगे. टेक्स्ट 31. तेजीयसामपि क्षेत्येतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरु यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वैलोक क्षेमाय कल्पते. इवन दो यू आर द मोस्ट पावरफुल बीइंग, दिस एक्ट डज नॉट सूट यू बिकॉज योर कैरेक्टर इज फॉलोड फॉर स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट बाय पीपल इन जनरल. लोग आपकी महानता को देखकर उसकी दुआएं देते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं. यद यद आचरति श्रेष्ठ है तत्त एवेतरोजन, तो अगर आप ही ऐसा करेंगे. सो समाज के जो मुखिया हैं उन्होंने कितना उच्च स्टैंडर्ड रखना चाहिए दूसरों के सामने, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कि भगवान भी यही कहते हैं, आई मस्ट ऑल दो आई डू नॉट हैव एनी वर्क, मेरा कोई कार्य नहीं है, फिर भी मुझे कार्य करने पड़ेंगे जब मैं यहाँ आऊँगा, क्योंकि मैं जिस प्रकार से डीलिंग करता हूँ वो सभी के लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव देकर के जाता हूँ, वो उससे सीखेंगे. तो वे कहते हैं कि तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रुचिषा आत्मस्थम व्यज्जयामास सधर्मं पातुमर्हसि. लेट अस ऑफर अवर रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हु बाय हिज ओन एफल्जेंस व्हाइल सिचुएटेड इन हिमसेल्फ हैज मैनिफेस्टेड दिस कॉस्मॉस. मे ही ऑल्सो प्रोटेक्ट रिलीजन फॉर ऑल गुडनेस.
तो अंत में भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप ही कुछ कीजिए। दे नो दैट दे माइट स्पीक, बट एक तरीके से ये उनके लिए मर्यादा व्यतिक्रम ही है, तो वो ज्यादा ऊंचा करके बोल भी नहीं सकते क्योंकि पिताजी हैं, और ब्रह्मा जी ये कोई छोटी पोस्ट नहीं है। ही इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल, ही इज डायरेक्टली सन ऑफ कृष्णा। तो वो अपने दादाजी को, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान आप ही धर्म का संरक्षण कीजिए। ये जो ब्रह्मा जी करने जा रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सिग्नल टू ब्रह्मा जी कि जो आप करने जा रहे हैं वो अधर्म है। सो द फाइननेस ऑफ डीलिंग्स इज व्हाट इज सीन हियर। आज के श्रीमद् भागवत में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम देखेंगे ब्रह्मा जी इस समस्या से कैसे उभरते हैं, श्लोक क्रमांक 33 से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।